लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग, पादप की पत्तियां, बैंगन की पत्तियों का छोटा रोग। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें ग्रेसी शूट की, और ग्रेसी शूट वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर कई बार पीजी लेवल में भी पूछा हुआ है। ग्रेसी शूट हिंदी में होता है घास, ये तना। घास ये तना यानी कि जो गन्ना होता है, जो शुगर केन होता है, ये शुगर केन का जो पादप है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, रस प्राप्त करते हैं, और रस से हम क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। सिंपल सी बात है। अब जो गन्ने का तना जो है वो मोटा होना चाहिए, जो हाइट में बहुत अच्छा होना चाहिए, उस गन्ने के तने के ऊपर क्या हो जाता है, इसका संक्रमण हो जाता है, और इसके संक्रमण के कारण जो गन्ने का तना है जो हाइट में बहुत लंबा रहना चाहिए, वो हाइट में क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, और उसकी जो नोड और इंटर नोड है और जो इंटर नोड है, नोड और इंटर नोड, वो आकार में क्या रह जाती हैं, छोटी रह जाती है। छोटी रहने से गन्ने के जिस पार्ट से हम जूस यूज करते हैं, यानी कि उसकी पोरियों वाले भाग से, इंटर नोड वाले भाग से, और वो जो इसका नोड वाला पार्ट होता है, जो इंटर नोड वाला पार्ट होता है, उनके बीच का जो गैपिंग होती है वो गैपिंग तो जाती है बड़, और जो इंटर नोड पार्ट होता है, जो खाने योग्य पार्ट होता है, वो पार्ट रह जाता है छोटा, और देखने पर वो गन्ना जो है वो कैसा दिखता है, घास के समान फूल वाला, यानी कि ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन की जैसे हमको वो दिखाई देता है। तो दो करैक्टर इसके हो गए, एक तो फाइटोप्लाज्मा के संक्रमण के कारण उस पादप के अंदर जो भोजन की कमी होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर एनर्जी के फ्लो के रूप में पूरी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और एक आता है ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन, और नेक्स्ट की अपन बात करते हैं तो वो आता है फलोडी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलोडी जिसको कहते हैं, फिलोडी होता है प्लांट्स लोडी मानी स्टडी। प्लांट्स का जो स्टेप्टो पार्ट होता है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा शाखाएँ बन जाएं कि वो पादप की जो शाखाएँ हैं, जो ब्रांचिंग हुई है उसके अंदर, वो ब्रांचिंग भी किसकी जैसे दिखाई देने लग जाए, लीफ की तरह दिखाई देने लग जाए, और पूरा पादप जो है वो किसके रूप में बन जाएगा, अब झाड़ी नुमा, पूरा पादप जो है वो किसके जैसा बन जाता है, झाड़ी के समान बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, फिलोडी। और इसका बहुत अच्छा सा एक उदाहरण है सेसेम फिलोडी। सेसेम का मतलब होता है सीसम का पादप, सन का पादप, तो इसका जो है वो उदाहरण है शीशम का जो प्लांट है उसके ऊपर इस तरीके के संक्रमण दिखाई देते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, ब्रांचिंग तो बढ़ जाती है लेकिन उसके अंदर मैच्यूरेशन क्या हो जाती है, मैच्यूरेशन जो है इसके अंदर वो घट जाती है। यानी कि इस प्लांट में धीरे धीरे क्या हो जाता है, मैच्योरेशन जो होती है वो तो कम होती चली जाती है, लेकिन इसकी जो हरकतें होती हैं वो धीरे धीरे इस प्लांट को क्या कर देती हैं, संक्रमित करके और पूरे प्लांट बॉडी को क्या बना देती हैं, बहुत छोटा बना देती हैं। यानी कि इसके कारण पूरी प्लांट बॉडी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं अपन इसके अंदर, निमेटोड के द्वारा होने वाला संक्रमण। जैसे एक प्लांट ने संक्रमण किया उसी तरीके से कौन संक्रमण करता है, निमेटोड भी संक्रमण करता है, और ये निमेटोड हमेशा किस में पाए जाते हैं, मृदा के अंदर पाए जाते हैं। तो अपन बात करते हैं
सोइल के अंदर पाए जाते हैं निमेटोड की। तो जब सोइल में निमेटोड है, इसका मतलब जो सोइल के अंदर पादप का जो भाग प्रेजेंट है जैसे कि रूट, इसका मतलब निमेटोड रूट को तो संक्रमित करेगा ही करेगा, इसके अलावा सोइल के ऊपर वाले भाग को भी क्या करेगा, संक्रमित करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी निमेटोड के संक्रमण के कारण सबसे पहले कौन संक्रमित होती है, रूट संक्रमित होती है। तो इसको किस रूट नाम से जाना जाता है, रूट नोट के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ रूट का मतलब तो आप समझते ही हो, और ये नॉट जो है इसका मतलब होता है यहाँ पर गांठों से, कि जैसे ही पादप के ऊपर एक निमेटोड का संक्रमण होता है तो पादप की जो रूट होती है उसके अंदर क्या बन जाती हैं, नोट बन जाती है, यानी कि गांठें बन जाती हैं, और गांठों के संक्रमण के कारण पूरी प्लांट बॉडी क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है। इसी प्रकार से ये तो हुआ अंडरग्राउंड बात। अब अपन बात करते हैं ज़मीन से ऊपर वाले भाग की। तो पादप का जो ज़मीन से ऊपर वाला भाग होता है, जब अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसके संक्रमण के कारण पादप के ऊपरी भाग पर जैसे स्टेम है, उसका फ्रूट है, ये पार्ट भी क्या हो जाते हैं, उसके कारण संक्रमित हो जाते हैं, और संक्रमित किए हुए भाग या तो गड़ जाते हैं या सड़ने लग जाते हैं या खाने योग्य नहीं होते। तो इस तरीके से हमने जो है वो आज कंप्लीट किए हैं कि एक बैक्टीरिया, एक फंजाई, एक वायरस, एक निमेटोड के कारण किस प्रकार से ये संक्रमित होते हैं, और बाकी बचा हुआ अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।